सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान ताहिर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है फ़ोन, उसका नाम है इन्फिनिक्स S5। इन्फिनिक्स S5 की सबसे पहले अगर मैं आपसे स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करूँ तो इसके अंदर हमें 4GB 64GB का वेरियंट हमें देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो प्रोसेसर रखा गया है वो हमें मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ राइट साइड की, तो राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास फोन है वो है हमारा इन्फिनिक्स HOT 10। अब इन्फिनिक्स HOT 10 के स्पेसिफिकेशन को लेकर आपसे बात करूँ तो इसके अंदर हमें 4GB 64GB का रैम रोम का वेरियंट हमें देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो प्रोसेसर रखा गया है वो हमें मीडियाटेक का हीलियो G70 का प्रोसेसर है। तो 4GB 64GB दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो के अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों फोन को करते हैं यहाँ से एक साथ पावर ऑन। मैंने दोनों फोन को किया है ऑफ। दोनों फोन को एक साथ करते हैं पावर ऑन और देखते हैं कि कौन सा फोन हमारा पहले ऑन होता है, कौन सा फोन हमारा बाद में ऑन होता है। दोनों को एक साथ मैं यहाँ से कर रहा हूँ पावर ऑन। दोनों फोन हमारे ऑन हो रहे हैं। जब तक हमारे दोनों फोन ऑन हो रहे हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और आपका कुछ नहीं जाता और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आते रहता हूँ। तो हमारे दोनों फोन जो है ऑन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इन्फिनिक्स S5 है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास इन्फिनिक्स HOT 10 है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स S5 हालांकि थोड़ा सा पुराना मॉडल है लेकिन ये हमारा पहले ऑन हो गया, जबकि इन्फिनिक्स HOT 10 हमारा अभी भी ऑन हो रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। हालांकि इन्फिनिक्स HOT 10 के अंदर हमें ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी हमारा इन्फिनिक्स S5 जल्दी ऑन हो गया जबकि इन्फिनिक्स HOT 10 हमारा जो है वो पीछे रहा। तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इन्फिनिक्स S5 है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास इन्फिनिक्स HOT 10 है। तो अब वन बाय वन करके दोनों फोन करते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखते हैं कि कौन सा फोन हमारा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। तो दोनों फोन हमारे सेम वाईफाई के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है। मैं यहाँ से फ्लाइट मोड ऑन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से ऑन करता हूँ ताकि हमें किसी किस्म की कॉल वगैरह रिसीव ना हो दोनों फोन्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास सिम मौजूद नहीं है। तो दोनों फोन हमारे अब सेम वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं सेम वाईफाई हमारे फोन के अंदर कनेक्टेड है। रिसेंट ऐप की आपसे बात करूँ तो रिसेंट पे हमारे दोनों फोन के अंदर किसी किस्म का हमें रिसेंट ऐप्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे। तो अब वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन से कह रहे हैं कि ऐप्स हमें जल्दी ऑन होते हैं दोनों फोन्स के अंदर। सबसे पहले आपसे बात करूँ फोन डायलर को लेके, तो मैं यहाँ से फोन डायलर ऑन कर रहा हूँ। फोन डायलर में आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स HOT 10 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं कॉन्टैक्ट्स को। कॉन्टैक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स HOT 10 थोड़ा सा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से ऑन कर लेते हैं गैलरी को। गैलरी ओपन करके देख लेते हैं। गैलरी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स HOT 10 मुझे थोड़ा सा आगे देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं फेसबुक ऐप को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। फेसबुक को मैंने किया यहाँ पे ओपन, तो फेसबुक के अंदर हमारा इन्फिनिक्स S5 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं MX प्लेयर को ओपन करके देख लेते हैं। MX प्लेयर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स HOT 10 आगे रहा, S5 हमारा पीछे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से TikTok को ओपन करके देख लेते हैं। TikTok आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स S5 के अंदर जल्दी ओपन हुआ जबकि HOT 10 जो था हमारा थोड़ा सा पीछे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद दराज ऐप को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ से दराज ऐप के अंदर भी इन्फिनिक्स HOT 10 हमारा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट हम देख लेते हैं OLX एप्लीकेशन को। इसके अंदर ऑन नहीं हुआ, दोबारा ओपन करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। OLX एप्लीकेशन को ऑन करके देख लेते हैं। OLX के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स HOT 10 हमारा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं। गूगल क्रोम के अंदर भी हमारा इन्फिनिक्स HOT 10 जो है वो आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से कैमरा ऐप को ले लेते हैं। कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन दोनों फोन मुझे सेम ही लगे, तकरीबन सेम ही टाइम रहा दोनों फोन्स का।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से हम ले लेते हैं सेटिंग्स को ले लेते हैं, सेटिंग ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। सेटिंग्स ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर किसमें पहले सेटिंग्स पहले ओपन होती है। सेटिंग्स के अंदर भी दोनों फोन तकरीबन मुझे सेम ही लगे, हमें दोनों फोन्स के अंदर ज़्यादा टाइम देखने को नहीं मिला, कोई डिले ज़्यादा देखने को नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन करके देख लेते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 10 जो है वो हमारा आगे रहा देख सकते हैं, जबकि इन्फिनिक्स S5 हमारा थोड़ा सा हमें पीछे देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से ट्राई आउट कर लेते हैं मैसेजिंग ऐप को ऑन करके देख लेते हैं। मैसेजिंग ऐप के अंदर भी इन्फिनिक्स हॉट 10 जो है वो हमारा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों यूट्यूब को ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ से यूट्यूब को ओपन करके देखते हैं कि किसमें पहले यूट्यूब जल्दी ओपन होती है। YouTube के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों फोन तकरीबन सेम ही रहे, किसी किस्म का हमें ज़्यादा रिलोड वगैरह देखने को नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से हम अपनी गेम को ट्राई आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन से फोन के अंदर जल्दी गेम ओपन होती है, कौन से फोन के अंदर गेम बाद में ओपन होती है। सबसे पहले यहाँ से सबवे सर्फर गेम जो हमारी है उसको ऑन करके देख लेते हैं, सबवे सर्फर गेम को देखते हैं कि पहले कौन से फोन के अंदर सबवे सर्फर जल्दी ओपन होती है और कौन से फोन के अंदर बाद में। लोडिंग आ रही है दोनों फोन के अंदर, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 10 हमारा आगे रहा सबवे सर्फर गेम ओपन करने में, जबकि हमारा इन्फिनिक्स S5 पीछे रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हिल क्लाइंब रेसिंग को ओपन करके देख लेते हैं। हिल क्लाइंब रेसिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारा हॉट 10 जो है वो आगे रहा, जबकि S5 हमारा जो है वो पीछे रहा, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर ऑब्वियसली हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हमें गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 10 जो है वो हमारा आगे रहा, जबकि हमारा जो इन्फिनिक्स S5 था वो हमारा पीछे रहा। तो अब हमने जो एप्लीकेशन ओपन कर लिए थे उसको वन बाय वन करके यहाँ से टेस्ट आउट करते हैं। अब इन्फिनिक्स के फोन में कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, ये मुझे इशू तकरीबन इन्फिनिक्स के हर फोन के अंदर ही देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स S5 के अंदर खाली हमारे ये कुछ एप्लीकेशन ही ऑन रहे हैं, बाकी ऑटोमेटिक बंद हो गए। इसके अंदर भी हमारे कुछ एप्लीकेशन फोन डायलर वगैरह ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो ये क्या वजह इसका मुझे आज तक समझ नहीं आया इन्फिनिक्स के फोन के अंदर कि कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। चलो यूट्यूब को यहाँ से देख लेते हैं कि यूट्यूब लोड लेती है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स S5 के अंदर YouTube ने लोड लिया, जबकि हमारा जो इन्फिनिक्स हॉट 10 था उसके अंदर हमें किसी किस्म का हमें लोड वगैरह नहीं लिया। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से ट्राई आउट कर लेते हैं और कोई एप्लीकेशन जो हमारी ऑनलाइन ऐप है, ऐसे किसी ऐप को देख लेते हैं। कैमरा ऐप को ले लेते हैं, अगर इसके अंदर कैमरा है, कैमरा आप देख सकते हैं इसके अंदर बंद हो चुका है। तो उसके अंदर हम प्ले स्टोर को चलो ओपन करके देख लेते हैं कि प्ले स्टोर दोनों फोन के अंदर टाइम लेते हैं या नहीं लेते। प्ले स्टोर को ओपन किया तो प्ले स्टोर में किसी किस्म का हमें रिलोड वगैरह देखने को नहीं मिला। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे आज से समझ नहीं है कि इन्फिनिक्स के फोन ऑटोमेटिकली हमारा जो कुछ एप्लीकेशन होते हैं उसको बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें खाली ये चंद एक एप्लीकेशन ही देखने को मिल रहे हैं, खाली चार, हालांकि हमने काफी सारे एप्लीकेशन ऑन किए। इसके अंदर भी हमने काफी सारे एप्लीकेशन ऑन किए, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर भी हमारा फोन डायलर मैसेजिंग कॉन्टेक्ट वगैरह ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो गए, बस कुछ हमारे जो ऑनलाइन ऐप्स है वही हमारे ऑन रहते हैं। तो बस अब इसके अंदर हम दोबारा से टेस्ट आउट तो नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं कि ये चीज़ें वगैरह तो आपके सामने निकल कर आ चुकी हैं। तो बस दोस्तों ये था हमारा छोटा सा स्पीडस कंपैरिजन इन दोनों फोन्स के दरमियान। तो ऑन होने के अंदर हमारा जो इन्फिनिक्स S5 था वो हमारा आगे रहा, जबकि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में गेमिंग के और एप्लीकेशन ओपन करने में ज़्यादा जो आगे रहा वो हमारा इन्फिनिक्स हॉट 10 रहा। हालांकि दोनों ही फोन के अंदर 4GB 64GB का वेरिएंट है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है इन्फिनिक्स हॉट 10 का वो एक थोड़ा सा अच्छा एक इम्प्रूव प्रोसेसर है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको दोस्त मानता है, अल्लाह हाफिज़।